हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है न्यूट्रल ग्राउंड रेजिस्टेंस के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म एनजीआर कहलाता है। सो एनजीआर होता क्या है, उसका यूज, एडवांटेज, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं विद एन एग्जांपल। और उसके बाद एनजीआर का कैलकुलेशन कैसे, एनजीआर लाइक रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, और कौन कितने टाइप्स के एनजीआर होते हैं। फाइन, स्टार्ट करते हैं। सो एनजीआर लाइक न्यूट्रल ग्राउंड रेजिस्टेंस के बारे में, तो ये एक एग्जांपल है। इसमें जो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमारे प्लांट में हमारे इंडस्ट्री साइट पे था, उससे लिया हुआ है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 33 केवी से 6.6 केवी, दैट इज प्राइमरी डेल्टा है, सेकेंडरी स्टार है। और जैसा कि इसमें देख रहे हैं एनजीआर, सो न्यूट्रल चाहिए, तो सेकेंडरी साइड में न्यूट्रल मिल रहा है हम लोग को, जो कि ये पॉइंट है। उसके बाद ग्राउंड, ऑब्वियसली जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट में या फिर इंडस्ट्रीज में रहता है, उसको डबल अर्थिंग करना ही होता है, डबल अर्थिंग एज इफ फ्रॉम बॉडी टू ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे न्यूट्रल आया। और उसके बाद रेजिस्टेंस, सो ये रहा रेजिस्टेंस, जो कि न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में है। तो इस चीज को एनजीआर कहते हैं। ये मोस्टली पावर ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होता है। तो पावर ट्रांसफॉर्मर का एग्जाम्पल लिया हुआ है, दैट इज 20x25 MVA। तो ये पावर ट्रांसफार्मर के केस का है एग्जांपल। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर एनजीआर है, उसका रेटिंग इस तरह है, दैट इज रेजिस्टेंस 8.95 ohms, जो फॉल्ट करंट है दैट विल बी अराउंड 400 amps। उसके बाद कितने टाइम तक वो करंट को सस्टेन करेगा, क्योंकि सिंस जो रेजिस्टेंस है वो एक कॉइल के फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा। तो मैक्सिमम 30 seconds तक रहेगा, उससे ज्यादा अगर होता है तो वर्न आउट हो जाएगा। तो 30 seconds से इसके लिए टेम्परेचर 500 degrees से टेम्परेचर, सिंस टाइमिंग है, टेम्परेचर है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हुआ, इससे ज्यादा करंट हुआ, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तो वाइंडिंग बर्न आउट होगा। और वोल्टेज सिंस सेकेंडरी साइड में है, दैट इज 6.6 kV, तो ये वोल्टेज टू रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ऑब्वियसली वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3 times होगा। तो ये रेटिंग है उस पर्टिकुलर एनजीआर का, एज एन एग्जाम्पल के लिए तरह से लिया गया है। फाइन, अब बात करते हैं एनजीआर क्यों यूज करते हैं उस पे। तो जैसे कि सिस्टम है, प्राइमरी सेकेंडरी साइड स्टेप डाउन हुआ, ओके, और सेकेंडरी साइड स्टेप डाउन होने के बाद ये सिस्टम ये पावर फीड कर रहा है कोई एक, लाइक नॉर्मल सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एसटी मोटर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लाइक कुछ फॉल्ट नहीं, कुछ एबनॉर्मलिटीज नहीं रहेगा। इनकेस अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज आता है मोटर में, या तो वाइंडिंग शॉर्ट होता है, या फिर हाई एसटी का ले रहे हैं तो स्लिप रिंग का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, ओके। जब एबनॉर्मलिटीज आएगा, तो वहां एबनॉर्मलिटीज का मतलब लाइक फेस टू फेस शॉर्ट, या फिर फेस टू ग्राउंड शॉर्ट हुआ, या फिर वाइंडिंग गया, तो उस केस में एक फॉल्ट करंट जनरेट होता है सिस्टम में। तो फॉल्ट करंट जनरेट होने से क्या होगा, सिंस मोटर ग्राउंडेड है और हम लोग को पता है कि करंट हमेशा सबसे लो रेजिस्टेंस पाथ को देखता है और उसके थ्रू जाने का ट्राई करता है। तो लो रेजिस्टेंस पाथ जो बॉडी के साथ और ग्राउंड के साथ हम लोग बस बार कनेक्ट करते हैं, जो ग्राउंडिंग करते हैं, वो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ होगा। तो फॉल्ट करंट दैट इज IF वो ऐसे फ्लो करने का ट्राई करेगा। सिंस करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा है, लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया 400 amps तक, तो वो करंट क्या करेगा, वो वापस से ट्राई करेगा, इट विल गो बैक टू ट्रांसफॉर्मर जस्ट इन केस। एक एग्जांपल, एक कंडीशन लीजिए, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, जब ये पाथ लाइक डायरेक्टली कनेक्टेड है ऐसा, ठीक है, न्यूट्रल को तो हम लोग कनेक्ट करते हैं ग्राउंड के साथ, ये पक्का है, और बॉडी भी, मोटर का बॉडी भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो इन दैट केस क्या होगा, ये टोटल करंट थोड़ा सा आउट ग्राउंड में जाएगा और मोस्ट ऑफ द पार्ट विल गो बैक टू द न्यूट्रल पॉइंट। और इससे क्या होगा, ये पूरा जो सिस्टम है ट्रांसफार्मर का, वो डैमेज होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग एक इस पॉइंट पे, यहाँ पे ग्राउंड और न्यूट्रल के बीच में एक रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, जो होता है एनजीआर। अब एनजीआर का काम यहाँ देखिए, जो फॉल्ट करंट आया वो बहुत एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट को बैक फीड करेगा ट्रांसफार्मर में। सो ये IR, दैट इज IR को डिनोट करने के लिए लाइक रिले करंट समझ सकते हैं, क्योंकि रिले करंट का यहाँ पे IR क्यों यूज किए हैं वो इस जगह पे पता चलेगा यहाँ पे। तो ये IR हो गया, जो कि बैक फीड हो रहा है, एग्जाम्पल IR, ठीक है, बैक टू ट्रांसफॉर्मर जा रहा है। फिर IG नॉर्मल करंट ग्राउंड के थ्रू ग्राउंड में जाएगा, एंड दैट इज IF, ओके। तो NGR का यही काम है, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट बैक फीड करेगा दिस पावर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे, ठीक है।
उसके बाद इसका यूज और एडवांटेज क्या है। तो जैसे यूज और एडवांटेज पहला पॉइंट जैसे एक्सप्लेन हुआ, टू अवॉइड अनबैलेंस करंट टू एंटर बैक टू द सिस्टम, ठीक है, अनबैलेंस करंट को अवॉइड करेगा। नेक्स्ट है एनजीआरएनए से हम लोग मेजर कर सकते हैं, वी कैन मेजर करंट कमिंग फ्रॉम अर्थ, जो कि करंट यहां से वापस बैक कमिंग फ्रॉम अर्थ और ग्राउंड टू न्यूट्रल, अर्थ और ग्राउंड से न्यूट्रल। तो ये जो करंट है एनजीआर के यूज करने से हम लोग वो मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट इधर आ रहा है, और उसके बाद हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे द नेचर ऑफ फॉल्ट, किस तरह का फॉल्ट था, ठीक है। अब ये करंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये करंट रहेगा तो ही अर्थ फॉल्ट रिले एक्चुएट करेगा। सिंस हमें पता है जो भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं, इनकमर्स हैं, तो उनमें हम लोग अर्थ फॉल्ट रिले लगाते हैं। अर्थ फॉल्ट रिले लगाने का ये एडवांटेज है कि जब भी कोई करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज होगा तो वो रिले एक्चुएट होगा, वो रिले एक्टिव होगा और सिस्टम को आइसोलेट करेगा। तो ये जो करंट है, ये जो अमाउंट ऑफ अनबैलेंस करंट है IR, वो जाके उस पर्टिकुलर रिले को, अर्थ फॉल्ट रिले को एक्चुएट करेगा और ये पूरा सिस्टम आइसोलेट होगा, ऑफ होगा, कटेगा इस पर्टिकुलर पार्ट से, इसको सप्लाई देना बंद करेगा। तो ये होता है, ये काम है IR, दैट इज टू एक्चुएट अर्थ फॉल्ट रिले। ओके, नेक्स्ट है ये होने के बाद, अगर उसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ NGR। तो NGR रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है दैट इज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वी इज इक्वल टू, जो कैलकुलेशन उसका, वी इज इक्वल टू IR। तो I यहाँ पे फॉल्ट करंट हो जाएगा, जो कि ये फॉल्ट करंट है, और रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ NGR इज इक्वल टू वोल्टेज बाई IF। ओके, अब यहाँ पे V सिस्टम वोल्टेज दैट इज 6.6 kV बाई √3, ये वोल्टेज क्योंकि ये ग्राउंड और न्यूट्रल के बीच का है तो 6.6 kV हो जाएगा, और IF इस केस के एग्जांपल में, या फिर जो भी फॉल्ट है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि यही इतना ही करंट रहेगा, या फिर अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फॉल्ट के अकॉर्डिंग करंट का वैल्यू भी वैरी होता रहता है। जिस इनकेस फॉल्ट बहुत सीवियर है तो करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगा, अगर फॉल्ट कम सीवियर है तो करंट का वैल्यू करस्पॉन्डिंगली कम होगा, बट ये वोल्टेज का वैल्यू तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, लाइक जो भी आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है डिवाइडेड बाई √3। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे रेजिस्टेंस ऑफ NGR, कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में कितना, कौन से वैल्यू का रेजिस्टेंस, दिस कौन से वैल्यू का रेजिस्टेंस हम लोग को यूज करना चाहिए एज एन NGR। IF यहाँ पे जैसा मेंशन किया हुआ है, IF फॉल्ट करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करने के लिए, दिस इज फॉल्ट करंट। ओके, अब एक ये क्या बोलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी है, NGR का वैल्यू ज्यादा रखना है या फिर कम रखना है। जैसे कि यहाँ पे टाइप में है हाई इंपेडेंस NGR एंड लो इंपेडेंस NGR। ओके, तो अगर NGR का वैल्यू हम लोग बहुत ज्यादा रख देते हैं विदाउट कैलकुलेशन या फिर कुछ, तो उसका उससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो करंट है, जो ये करंट IR दैट इज करंट गोइंग टू एक्चुएट द रिले, करंट गोइंग बैक टू द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, वो काफी कम हो जाएगा, वो काफी कम होगा, तो वो रिले जो है अर्थ फॉल्ट रिले उसको एक्चुएट नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक्चुएट नहीं किया तो उसका प्रोटेक्शन रहेगा नहीं, दैट इज द थिंग, फेलियर ऑफ अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। अगर ये वैल्यू काफी कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब भी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं तो एक सेट पॉइंट रखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेट पॉइंट से अगर ज्यादा हुआ तो वो पर्टिकुलर रिले एक्चुएट होगा। तो सिंस अगर इसका वैल्यू हम लोग इंपेरिकली अपने मन से कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू रख दिए, ओके, लाइक अगर सिस्टम हमारा लाइक कम वैल्यू का सिस्टम है, कम पावर का सिस्टम है, उसमें NGR का वैल्यू ज्यादा रख दिए विदाउट कैलकुलेशन, तो इसको करंट बैकफीड होगा नहीं, और नहीं होने के चलते इन केस ऑफ फॉल्ट ऑल्सो, जब भी एबनॉर्मल फॉल्ट भी होगा तो भी ये पार्ट आइसोलेट होगा नहीं, ये ट्रांसफार्मर सिस्टम को फीड नहीं करेगा और फॉल्ट कंटिन्यूस होगा, एंड फाइनली मोटर तो गया ही, साथ में हमारा ट्रांसफार्मर भी बर्नआउट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो प्रॉपर कैलकुलेशन करके NGR का वैल्यू हम लोग सिलेक्ट करते हैं, फाइन। तो और लास्ट टॉपिक था हाई इंपेडेंस NGR एंड लो इंपेडेंस NGR। ये लाइक नॉर्मल प्रॉपर वैल्यू तो पता नहीं है कि वो वैरी करता है, लाइक लो इंपेडेंस लाइक 5 to 20 ohms, एंड लाइक हाई इंपेडेंस जो देखा हुआ एग्जाम्पल मिला है अभी तक वो 20 to 70 ohms तक रहता है। ये थोड़ा देखना पड़ेगा, प्रॉपर नहीं है, जो मेरे को डाटा मिला उसके अकॉर्डिंग था। सो आई होप पता चला होगा आप लोगों को NGR के बारे में, NGR यूज क्यों होता है,
प्लीज सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और टेक्निकल वीडियोस और किसी टॉपिक पे अगर डिस्कस करना है तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे रिसर्च करके एक और वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच।